नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जौनपुर से बड़ी खबर, दुकान में भीषण आग लग गई है। तो द्वारिका बीज भंडार में ये भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशों में लोग जुट गए। तो मड़ियाहू के रेलवे फाटक की यह घटना बताई जा रही है। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुकान में ये भीषण आग लग गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्री द्वारिका बीज भंडार में ये भीषण आग लगी है। तो वहीं आसपास के लोग आग बुझाने को लेकर मशक्कत में जुट गए। सीधी तस्वीरें, तो द्वारिका स्टोर में ये भीषण आग लगी थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जिस तरीके से द्वारिका स्टोर में ये भीषण आग लगी थी? साहिल जी, मैं बता दूं, ये बहुत ही व्यस्तम इलाका है और बगल में ही रेलवे क्रॉसिंग है और ये मेन रोड है जो भदोही को जाता है। और वहाँ पे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। ये बीज भंडार है और यहाँ पे इतनी भयंकर आग लगी है क्योंकि यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड है उनको पहुंचने में आधे घंटे से एक घंटा लग गया पहुंचने में। तब तक वहाँ की जो पब्लिक थी वो अपने तरीके से आग पर काबू पा रही थी और आग इस वक्त काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस वक्त मौके पे है। जी जी मोहम्मद अब्बास, वहीं क्या कारण बताया जा रहा है, किस वजह से ये आग लगी थी? ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है और अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें शॉर्ट सर्किट का आ रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, यहां पे दो गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग पे पूरी तरह नियंत्रण कर रही है। जी जी अब्बास, वहीं जिस तरीके से आपने जानकारी दी, काफी व्यस्त ये इलाका है और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि आसपास बहुत सकरी दुकानें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो क्या इस आग की चपेट में और भी दुकानें आई हैं या सिर्फ द्वारिका स्टोर में ही आग लगी थी? जी, ये बता दें, ये बहुत ही आप विजुअल में देखेंगे कि बहुत सक्रिय ही वहाँ पर है और अगल बगल वालों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। जो भी वहाँ पे है सबको घर से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इसकी आग की जो चपेट है वो बगल तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन फायर ब्रिगेड वहाँ इस वक्त आग पर काबू पा रहा है। जी चलिए, मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।